हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जी हैं, UPSSC की तरफ से कुछ बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कल धरना था और धरने के बाद जो अभ्यर्थियों की मीटिंग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष से हुई है, उसमें एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सुस्त था, उसके बाद कल अभ्यर्थियों का भारी मात्रा में धरना प्रदर्शन हुआ। उसके बाद अध्यक्ष ने अभ्यर्थियों से मुलाकात की, उसके बाद उनको कुछ चीज़ें बताई हैं, तो हम आपको बताए देते हैं कि क्या क्या उन्होंने कही हैं। और एक भर्ती की नोटिस, एक भर्ती से संबंधित एक नोटिस आज जारी हो जाएगी 100%। तो धरने के बाद आयोग के अध्यक्ष 10 बजे तक कल रात में काम हुआ है, तो आज एक नोटिस जारी हो जाएगी। कौन सी नोटिस जारी होगी, क्योंकि धरने के बाद एक्शन में आयोग है, क्योंकि आयोग के ऊपर काफ़ी दबाव है, काफ़ी कई न्यूज़ चैनल्स में भी ये धरना प्रदर्शन कल आया था, इसलिए क्या अपडेट है चलिए हम आपको पूरी दिखा देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इसी तरह की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ तस्वीरें जो कल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में धरने प्रदर्शन में गए अभ्यर्थी थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की कल, इस वजह से आप लोग के सामने ये खबर आ रही है। जी हाँ, तो हम आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ज़बरदस्त तैयारी अब शुरू कर चुका है, क्योंकि कल रात में 10 बजे तक ऑफिस में काम हुआ है। विभिन्न जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ऑफिस है उनमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें कल काफ़ी देर रात तक काम हुआ है। अब जो कल खबर निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज एक नोटिस जारी कर देगा, वो किस चीज़ की है। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ अभ्यर्थी जो विज्ञापन नंबर 26/2016 की जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा का रिजल्ट 20 अगस्त को आया था, उसकी टाइपिंग लगातार टल रही है नवंबर महीने से, लेकिन जो खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा टाइपिंग की डेट फिक्स कर ली गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आज शाम तक ये नोटिस उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे जारी कर देगा। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए मिल रही है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शाम तक एक नोटिस जारी कर देगा। जी हाँ, वो भी होगी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग की। ये टाइपिंग 15 मार्च के आसपास होने की संभावना है, हो सकता है ये 18 मार्च से शुरू हो, लेकिन ये 15 मार्च से आसपास ही शुरू होने की पूरी पूरी संभावना जताई जा रही है। तो ये रही आज के लिए अपडेट, UPSSC की मीटिंग के बाद ये सारी अपडेट हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए थे। तब चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं शाम को ये नोटिस जारी होने के बाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।